अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत ही प्यारा दिन है। और आज हम सारे लोग, पूरी फैमिली के लोग जा रहे हैं फिल्म देखने। और फिल्म का नाम है द ग्लास वर्कर। और ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट एनिमेटेड फिल्म है जिसको बनने में 10 साल लग गए। और ये फाइनली अब रिलीज़ हो गई 26 जुलाई को, लेकिन हम एक हफ्ते बाद देखने जा रहे हैं। मौसम भी काफ़ी बारिश जैसा हो रहा है, होप कि आज बारिश हो जाए। सब रेडी हो चुके हैं तो चलिए हम भी अब निकलते हैं जल्दी से, वरना लेट हो जाएंगे। व्लॉग्स मैं बहुत ज़्यादा ही बनाती हूँ, लेकिन मुझे एडिट करने में और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है, जिसकी वजह से मैं बैक टू बैक व्लॉग्स नहीं डाल पाती। मैं हर बार यही कहती हूँ कि मैं अब नेक्स्ट टाइम से बैक टू बैक व्लॉग्स अपलोड करूँगी, बट फिर सुस्ती हो जाती है और मैं एडिट ही नहीं करती। और जहाँ से हम अभी गुजरे वो था मेरा कॉलेज काउंटी और मेरी बहन का करंट स्कूल। और हम यहाँ पर पहुँच गए थे, हमने यासिन को पहले ही जो है वो भेज दिया था ऊपर ताकि वो टिकट्स ले ले। उसके बाद हम यहाँ पर वेट कर रहे थे मूवी स्टार्ट होने का, जब तक हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही थी। बट फिर यासिन ने कहा कि नहीं, मूवी स्टार्ट हो जाएगी। और ये हम तीन बहनें और यहाँ पर मूवी स्टार्ट हो रही थी तो हम अंदर जा रहे थे। वैसे अभी 10 मिनट का टाइम था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है वो गैदर हो जाएं हॉल में थोड़े, क्योंकि फिर अपनी सीट्स पे सब अरेंज हो जाएंगे और वो लोग कुछ एड्स वगैरह और मूवी के कुछ ट्रेलर्स वगैरह भी चलाते हैं और कुछ ऑफर्स वगैरह की भी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मंडे टू थर्सडे 40% ऑफ स्टूडेंट डील होती है, जिसमें 40% ऑफ भी होता है। यहाँ पे मूवी स्टार्ट हो गई थी और मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे वैसे भी एनिमेटेड मूवीज़ बहुत पसंद है। मैं अभी भी कार्टून्स देखती हूँ, बल्कि जब भी हम फैमिली साथ में बैठते हैं हम कभी कार्टून मूवीज़ देखते हैं, कभी हॉरर मूवीज़ देखते हैं, कभी कॉमेडी फिल्म्स देखते हैं, लेकिन कार्टून और एनिमेशन हम ज़्यादा ही देखते हैं। स्पेशली जो नेटफ्लिक्स पे गिबली स्टूडियोज़ की जो एनिमेशन फिल्म्स होती है ना, वो हम लोग ज़्यादा देखते हैं, जैसे पोनियो हो गया, कीकीज़ डिलीवरी सर्विस, ये सारी और भी बहुत सारी हैं जो काफ़ी अच्छी लगती हैं। बेसिकली मूवी में जंग का भी दिखाया गया है काफ़ी, और शहर के और ग्लास वर्क के बारे में दिखाया गया है, कारीगरी के बारे में। मूवी अच्छी थी, आपको देखनी चाहिए। अगर आप सिनेमा में जाकर नहीं देखना चाहते तो अब तो शायद रिलीज़ हो गई होगी OTT प्लेटफॉर्म पर भी, तो आप घर में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। वैसे अच्छी है, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। और यहाँ पर मैंने अपनी फेवरेट चाट ले ली है, और मुझसे यहाँ पर वीडियो के आगे जो है वो बनती ही नहीं है, निवाला ही नहीं बनता। तो हम जब बाहर निकले तो बारिश हो रही थी और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम हो गया था। वैसे तो हमें यहाँ से अभी रेस्टोरेंट जाना था, लेकिन मैं अपनी फेवरेट चाट खाए बिना यहाँ से नहीं जाती। मुझे ये मिक्स चाट बहुत पसंद है, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे जाना होता है यहाँ से, जल्दी में निकलना होता है, तो भी मैं यहाँ से लेकर फिर जाती हूँ, पैक करवा के जाती हूँ। वरना अगर टाइम होता है तो हम लोग बैठ के खा भी लेते हैं। मौसम इतना हसीन हो रहा था, इतना खूबसूरत हो रहा था, और हवा भी चल रही थी, ठंडक भी हो गई थी। वो जो दिन में गर्मी थी ना, एक मौसम में जो एक ह्यूमिडिटी थी और बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, बहुत गर्मी हो रही थी, वो सारी जो है ना बारिश ने तोड़ दी और सब ठंडा मौसम हो गया सारा। और यहाँ पर ना अब मज़ा आ रहा था कि हाँ, हम लोग बाहर निकले हैं तो गर्मियों में
तो अब मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पर, वरना वैसे हम 2-3 बार जो है वो बाहर निकले हैं, लेकिन इतनी गर्मी होती है, नाश्ता करने भी गए, इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ना खाने में मज़ा आता है ना बैठने में दिल करता है, बस जाओ भागो एसी में जाके बैठ जाओ। पर एक सीन हो गया कि हमारे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा, वीडियो अपलोड करने से पहले ही नज़र लग गई, पता नहीं कैसे लगी। सो यहाँ पर हो गया था टायर पंचर, और मौसम भले कितना भी अच्छा था, मूड चाहे कितना भी अच्छा था, लेकिन जब ये हुआ तो मूड बहुत ख़राब हो गया वैसे तो। बट उसके बाद हमें जो है वो पंचर वाला मिल नहीं रहा था, हमें फिर अपने घर के साइड वाले पेट्रोल पम्प पूनम पे जाना पड़ा, और वहाँ से हमने पंक्चर बनवा लिया। उसके बाद हम गए रेस्टोरेंट सीधा, और आज मैंने सोचा कि हम अल्फाचर चलते हैं क्योंकि हमारे घर से नज़दीक भी है, और यहाँ का बर्गर मैंने काफ़ी बार जो है वो घर पे मंगवा के खाया है और मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आके बैठे तो मैंने तो डिसाइड किया हुआ था, बट मैंने फिर भी एक बार मेन्यू पे नज़र मार ली। वैसे तो मेरा दिल आज बिरयानी खाने का कर रहा था, बट मैंने बोला नहीं, बर्गर यहाँ पर आकर नियत बदल गई, फिर मैंने अपने लिए तो बर्गर मंगवाया, बाकी उन्हें अपने अपने पसंद की चीज़ें मंगवा ली, और उसके बाद हम यहाँ से खा कर घर के लिए निकल गए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।